हाय एवरीवन, तो ये मेरा पहला वीडियो है 2024 का। नए साल में पहला वीडियो अपलोड हो रहा है और ये वीडियो बनाने का मुझे बहुत ज्यादा मन हुआ, मुझे बहुत ज्यादा जरूरी लगा, क्योंकि अभी आप सबके मन में काफी सारा ऐसा डाउट होगा ना कि 2024 में यूट्यूब को करें कंटिन्यू या फिर क्विट कर दे, छोड़ दे। बहुत कोई का ऐसा भी हो सकता है कि कोई कोई सोच रहा है कि यूट्यूब तो करना है, लेकिन आखिर ऐसा क्या करे कि ग्रो हो जाए, क्योंकि पिछले हो सकता है कि आप 2-3 सालों से यूट्यूब कर रहे हो, ग्रो नहीं हो रहा, तो काफी सारा आपका मन में डाउट होगा। तो भाई करना तो है, लेकिन कैसे करना है, क्या करना, आखिर क्या कॉन्टेंट बनाए, किस कैटेगरी के वीडियो बनाए जिससे जल्दी से ग्रो हो जाए, तो ये काफी सारा आपका डाउट। तो उससे रिलेटेड आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बात करूंगा, आपको थोड़ा सा मैं मोटिवेट करने की कोशिश करूंगा, जो कि हमेशा मैं करता हूं। सबसे पहले वीडियो की स्टार्ट करने से पहले तो मैं उन सब जैसे लोगों के लिए बात करना चाहूंगा जो कि मैं देख रहा हूं कि जो ट्रेंड को फॉलो करते हैं, जो एक तरह से देखा देखी करते हैं। जैसे अभी इंस्टाग्राम पे एक रील काफी वायरल हो रहा है, क्या हो रहा है कि एक म्यूजिक चल रहा है, ऊपर में लिखा हुआ रहा 2024 अपना होगा, आपके भाई का 2024 होगा, 2024 में तबाही ला देंगे, 2024 में ये कर देंगे। भाई लिखने से कुछ नहीं होना है। अभी मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने न्यू ईयर मना लिया है ना, न्यू ईयर काफी लोगों ने मनाया, क्या बदलाव आया आपकी लाइफ में? कल 2023 था, आज 2024 है, बदलाव क्या आया आपकी जिंदगी में? कल जैसा था आज भी वैसा ही है। अगर आप अपने लाइफस्टाइल को नहीं बदल रहे हो, है ना, अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हो, कुछ बदलाव नहीं ला रहे हो अपने जीवन में, तो फिर आपका 2024 रहे, 2023 रहे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 2025 भी आ जाएगा, 2024 भी खत्म हो जाएगा, फिर 2026 आ जाएगा, फिर आप वहां को वहीं रह जाओ। तो साल बदलने से कुछ नहीं होता है, दिन बदलना जरूरी है। साल तो बदल ही जाता, दिन नहीं बदलता लोगों का, है ना। दिन आपका जैसा था पिछले 2 दिन पहले, आज भी वैसा ही है, तो कुछ बदलाव नहीं आया ना। तो एंजॉय करके क्या फायदा है, डीजे में जाके नाचने से कोई फायदा नहीं है। वो पल भर का खुशी होता है, रात भर आपने एंजॉय किया, 6 घंटा 12 घंटा, काफी सारे लोग होते हैं जो एंजॉय करते हैं, लेकिन उसके बाद वाले दिन जब आंख खुलता है तो आप वहीं का वहीं नजर आते हो। तो ये सब जो इंस्टाग्राम का रील वगैरह होता है ना, जो आप लोग स्टेटस लगा रहे हो, स्टोरी लगाते हो, हम ये कर देंगे 2024 में ये कर देंगे, बोलने से कुछ नहीं होता है, इसके लिए काम करना पड़ता है ना। मुंह में तो बाघ शेर कोई भी मार सकता है, रियल में नहीं मार सकता, तो वही बात हो गया। अभी बात करते हैं कि भाई यूट्यूब करना है कि छोड़ देना है। देखिए सबसे पहली बात कि अगर आप यूट्यूब करते हो, चाहे आप महीने भर से क्यों नहीं कर रहे हो, और काफी सारे लोग 2-4 साल से कर रहे हैं, छोड़ना तो है नहीं, क्योंकि जब करते हो तो करते रहना है, क्योंकि आपने इसमें बहुत टाइम दे दिया होगा, है ना। काफी लोगों ने साल भर दिया, काफी लोगों ने 2 साल दिया, तो टाइम जब दे दिया है तो इसको कंटिन्यू करना है, लेकिन सही रास्ते में, सही डायरेक्शन में कंटिन्यू करना है। कैसे करना है, सबसे पहले तो 2024 में छोड़ना नहीं, क्योंकि आप सबको मन में कभी ना कभी डाउट होता होगा ना कि कॉम्पिटिशन हाई हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कोई मैटर नहीं करता। कॉम्पिटिशन हाई पहले भी था, अभी भी है। आपको अगर ग्रो करना है तो क्या होगा, कुछ अलग करना होगा। क्या अलग करना होगा, जो चल रहा है वो करना होगा, आपको जो पसंद है वो नहीं करना है, जो पब्लिक को पसंद है वो करना है, जो लोगों को देखने में पसंद आ रहा है आपको वो करना है। तो आप लोग पता नहीं लोगों को देखते हो या नहीं, मैं तो काफी ज्यादा सोशल मीडिया को देखता हूं, रिसर्च करता हूं, देखता हूं कि क्या चल रहा है अभी के टाइम पे, और जो चलता है मैं भी उसी को फॉलो करता हूं। तो अब बात करते हैं कि आपको करना क्या है 2024 में, आखिर आप क्या ऐसा कंटेंट बनाओगे कि जल्दी वायरल होगा। देखिए सबसे पहली बात, अगर आप व्लॉग्स बनाते हो तो आप व्लॉग जो लॉन्ग फॉर्मेट वाले व्लॉग बनाते हो ना, आप मिनी व्लॉग बनाना शुरू कर दो। भाई मिनी व्लॉग ज्यादा चल रहा है, मिनी व्लॉग के बहुत सारे फायदे हैं बनाने के। क्या फायदे हैं, मिनी व्लॉग क्या होता है कि 1 मिनट से छोटा अगर आप रखोगे तो वो शॉर्ट्स पे भी अपलोड हो जाएगा, और आजकल के टाइम पे लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट से ज्यादा शॉर्ट्स को ज्यादा व्यूज आता है, ये एकदम कॉमन सा बात है, आप किसी का भी चैनल देख लो। तो ये मिनी व्लॉग अगर आप बनाओगे तो आपका शॉर्ट्स पे भी अपलोड हो जाएगा, मिनी व्लॉग अगर आप बनाओगे तो आपका फेसबुक पेज पे भी अपलोड हो जाएगा, और ये मिनी व्लॉग्स फेसबुक पेज पे भी काफी ज्यादा वायरल होता है। कुछ कुछ यहाँ पर मैं स्क्रीनशॉट देता हूँ, मैं खुद अपने फेसबुक पेज पे मिनी व्लॉग्स अपलोड करता हूँ तो सारा मिलियन में व्यूज जाता है, ये देखिए। तो इसी तरह से, और इसी मिनी व्लॉग को आप अपने इंस्टाग्राम के पेज पे भी डाल सकते हो। तो ये 3-4 फायदा हो जाता है अगर आप मिनी व्लॉग बनाते हो, और इंस्टाग्राम रील्स पे भी देखिए मेरा काफी अच्छा खासा व्यूज आता है जो मैं मिनी व्लॉग्स अपलोड करता हूं। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग मिनी व्लॉग बनाना शुरू करो। मिनी व्लॉग के 3 फायदे, आपका शॉर्ट्स पे भी चला जाएगा, आपका फेसबुक पे भी चला जाएगा, आपका इंस्टाग्राम पे भी चला जाएगा, और अभी एक ट्रेंड भी है, काफी लोग इसको देखना पसंद करते हैं, काफी सारा रीच जा रहा है, काफी अच्छा खासा लाइक्स आएगा, व्यूज आएगा, सब्सक्राइबर्स गेन होगा, बहुत तेजी से ग्रो भी होगा। तो ये आप कर सकते हो, ये अभी ट्रेंड है, सब कोई कर रहा है। जितने भी आजकल के टाइम पे आप देखोगे जो लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस बनाया करता था, अभी सब कोई अभी मिनी व्लॉग करना शुरू कर दिया है, शॉर्ट्स पे डालना शुरू कर दिया है, यहाँ तक कि मैं अभी करना शुरू कर दिया हूँ क्योंकि शॉर्ट्स में रीच ज्यादा है। तो ये आप काम कर सकते हो, 2024 का ये ट्रेंड है, आप इसको फॉलो करो तब ज्यादा जल्दी ग्रो हो जाएगा। और अगर आपके मन में ये कभी कभी ख्याल अगर आ रहा है कि भाई छोड़ देंगे, तो देखिए आपको यूट्यूब करने के लिए चाहिए कुछ नहीं, मैं हमेशा बोलता हूँ आपके पास एक फोन होना चाहिए और इंटरनेट पैक आपका ऑलरेडी डला हुआ है, तो ही आप ये वीडियो मेरा देख पा रहे हो। अब जब इंटरनेट पैक आपके फोन में है तो इसको लोगों के वीडियोस देखने से ज्यादा अपने में काम करो, ऐसे वीडियोस देखो जिससे आपको कुछ सीखने को मिलता है। जैसे अगर आपने इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, ऐसा वीडियो देखो। लोगों के रील्स और कमर हिलाने वाला जो होता है, ठीक है, रील्स ये सब देख के टाइम पास मत करना, कोई फायदा नहीं है, टाइम वेस्ट होता है,
टाइम को इन्वेस्ट करना सीखो, वेस्ट मत करो। टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं, ये समय घूम के नहीं आएगा। 2023 खत्म हो गया, इसी तरह 2024 भी खत्म हो जाएगा। तो आपको लगता है यहाँ पर सिर्फ मेहनत, टाइम, अच्छे कंटेंट को देखो, एजुकेशनल वीडियोस देखो जिससे कुछ सीखने को मिले वो कंटेंट देखो। एंटरटेनमेंट जरूरी है लाइफ में, बट थोड़ा बहुत, बहुत ज्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। थोड़ा बहुत कभी कर लिया मन खुशी के लिए, है ना, अच्छा लगता है, फ्रेश लगता है। लेकिन एजुकेशनल वीडियो ज्यादा देखो जहां से कुछ सीखने को मिल रहा है, कुछ नॉलेज मिल रहा है, आइडिया मिल रहा है, उसको अपने कॉन्टेंट में अप्लाई करो, अपने लाइफ में अप्लाई करो। और ये बार बार मैं मोटिवेशनल वीडियोस अपलोड करता हूँ, ये बाहरी मोटिवेशन ज्यादा देर नहीं चलता, अंदरूनी मोटिवेशन ज्यादा जरूरी है। आप लोगों के रील्स देख करके आप भी रील बना दे रहे हो 2024 में हम तबाही मचा देंगे, ये हो गया बाहरी मोटिवेशन। आपने उसका देख लिया, आपका भी मन में आया हाँ अब तो हम भाई उखाड़ के छोड़ेंगे, कुछ आग लगा देंगे। लेकिन ये एक दो दिन रहेगा, फिर तीसरे दिन से आपका सेम वही लाइफ स्टाइल चलना शुरू। लेट नाइट सोना, दिन में 10-11 बजे उठना, और फिर जिंदगी में कुछ ना करना, लोगों के वीडियोस देखना, टाइम वेस्ट करना। तो अंदरूनी यहाँ पर जो है अंदर में आग को बना के रखो, मोटिवेशन को अंदर से बना के रखना होता है, तो ही आप लाइफ में कुछ कर पाओगे अच्छा। और इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ता है, बिना मेहनत का कुछ नहीं है। शॉर्टकट तो एकदम अपनाना नहीं है, है ना। मेहनत करो, अपना अच्छा से काम करो, आई होप आप ग्रो कर जाओगे। 2024 भी आपके लिए है, 2025 भी आपके लिए है, 2023 भी आपका ही था, बट आपने सही तरीके से काम नहीं किया होगा इसलिए आपका नहीं हो पाया। बाकी आई होप आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है, पसंद तो लाइक कर देना। आप क्या कैटेगरी के वीडियोस बनाते हो कमेंट करके बताना। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक लीजिए, वंदे मातरम।